तो ये कल मतलब नंगा नाच आप कह सकते हैं विधायक पुत्र ने किया है भागलपुर के परारी थाना क्षेत्र में, और FIR भी हो गया है। लेकिन ये मुझे सूचना है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय पलटू राम, उन्होंने पुलिस को आदेश दे दिए हैं कि विधायक के पुत्र के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए, उसको फरार होने का मौका दिया जाए। तो सरकार जो है वो लीपापोती के लिए काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें आपको कि JDU के विधायक गोपाल मंडल का एक नया मामला फिर से सामने आया है। बता दें कि पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ट्रेन में डांस करते नजर आए थे। अब एक और मामला सामने ये आया है कि उनके बेटे ने 4 लोगों को गोली मारी है। FIR दर्ज भी किया गया है लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अमिताभ दास, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, ये पूरा मामला है क्या कि JDU के विधायक है गोपाल मंडल, उनके बेटे ने 4 लोगों को गोली मारी है, FIR दर्ज भी किया गया है लेकिन कोई भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ। सर, आखिर ये पूरा मामला है क्या, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मामला तो बहुत मतलब गंभीर है, बहुत संगीन मामला है और बिहार में जो अराजक स्थिति है उसको दिखाता है। ये पहले मैं बता दूं दर्शकों को कि गोपाल मंडल हैं, ये जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं और काफ़ी विवादित व्यक्ति रहे हैं। हमेशा किसी न किसी गलत वजह से ये सुर्खियों में रहते हैं। कुछ महीने पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें इनको दिखाया गया था माननीय विधायक जी को कि सिर्फ चड्ढी और बनियान में एक ट्रेन में घूमकर उत्पात मचा रहे हैं। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और उसकी शिकायत भी ट्रेन यात्रियों ने की थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दबाव में रेल पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं किया विधायक जी पर, और उससे उनका लगातार मनोबल बढ़ता जा रहा है। मुझे ये भी सूचना है कि एक बार उन्होंने भागलपुर में पुल से एक DSP रैंक के पुलिस अधिकारी को गंगा नदी में फेंकने की कोशिश की थी। तो ये तो गोपाल मंडल का हाल हो गया। अब गोपाल मंडल का जो बेटा है आशीष मंडल, वो भी अपने पूज्य पिता के पदचिन्हों पर है। तो आशीष मंडल, ये कल की मैं घटना बता रहा हूँ यानी 12 दिसंबर की, आशीष मंडल अब कुछ गुंडों के साथ भागलपुर में एक बरारी थाना क्षेत्र है, उस थाना क्षेत्र में एक ज़मीन पर कब्जा करने गया, एक भूखंड पर। और जब ज़मीन के मालिक और उसके परिवार ने प्रतिवाद किया, विरोध किया, तो आशीष मंडल ने गोलियां चला दी। उसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। जो ज़मीन का मालिक है लाल बहादुर सिंह, वो घायल है। जो उसकी पत्नी है माधुरी देवी, वो घायल है। जो उसका बेटा है वीर बहादुर, वो घायल है। और वीर बहादुर का एक दोस्त है शरद उर्फ रवि नाम है, वो घायल है। और रवि के तो मुंह में गोली लगी है तो वो बहुत गंभीर रूप से घायल है, शायद उसकी जान भी नहीं बचे। तो ये कल मतलब नंगा नाच आप कह सकते हैं विधायक पुत्र ने किया है भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में, और FIR भी हो गया है। लेकिन ये मुझे सूचना है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय पलटू राम, उन्होंने पुलिस को आदेश दे दिए हैं कि विधायक के पुत्र के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए, उसको फरार होने का मौका दिया जाए। तो सरकार जो है वो लीपापोती के लिए काम कर रही है, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है अगर इस तरह विधायक पुत्र जो हैं वो खून के प्यासा हो जाएंगे और लोगों का खून करने लगेंगे। मैं लोगों को याद दिला दूँ दर्शकों को कि एक भारत सरकार के मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे आशीष मिश्रा ने पिछले साल लखीमपुर खीरी में 5 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल के मार डाला था। जब देश भर में, उसमें भी लीपापोती की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जब देश भर में विरोध हुआ और बहुत हंगामा हुआ तब आशीष मिश्र को जेल भेजना पड़ा। संयोग से इसका भी नाम आशीष ही है, ये उसका मतलब हम नाम ही है। तो इसमें भी लीपापोती की कोशिश हो रही है, और इसलिए आज मैंने DGP महोदय को पत्र लिखा है, बिहार के पुलिस महानिदेशक को, और मैंने उनसे मांग की है कि आशीष मंडल को, जो विधायक का बेटा है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जी सर, क्या लगता है, FIR तो दर्ज हो गया लेकिन गिरफ्तारी होगी? मुझे तो कम उम्मीद है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनका ये गोपाल मंडल बहुत करीबी हैं, अब बिहार की भाषा में कहें तो उनका दुलरुआ है। तो मुख्यमंत्री का तो पूरा दबाव पुलिस विभाग पर है, और जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है IPS के दिनों का, कि पुलिस वाले ऊंचे पदाधिकारी भी बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। तो फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपका मीडिया है, मीडिया के थ्रू यदि दबाव बनेगा, आज से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, विंटर सेशन शुरू हो रहा है, तो हो सकता है उसमें भी ये बात
उठाई जाए, खासकर मैं वामपंथी दलों से उम्मीद करता हूं कि वे इस बात को उठाएंगे। सर, आपने जिस उम्मीद के साथ पत्र किसे कितने किसे किन्हें पत्र लिखा है सर आपने? ये डीजीपी महोदय, बिहार के जो पुलिस महानिदेशक हैं जी। तो सर, आपने डीजीपी को पत्र लिखा है, तो आपको क्या लगता है आपके उस पत्र पर एक्शन लिया जाएगा? अब मैंने पत्र लिखा है तो किसी उम्मीद के साथ ही लिखा है, कम से कम डीजीपी महोदय के संज्ञान में तो ये बात आए कि इस तरह से ये हाँ घटना घट रही है, और डीजीपी चूंकि बिहार पुलिस के मुखिया हैं तो उनके संज्ञान में तो ये बात आनी चाहिए। और मैंने वो पत्र अपने फेसबुक पर भी डाला है, वो वायरल भी हुआ है और भी बहुत लोगों के उस पर कमेंट्स आए हैं, तो कम से कम लोगों को जानकारी तो मिले जी। तो देखा आपने कि किस तरीके से गोपाल मंडल के जो बेटे हैं उन्होंने जमीन के मामले में चार लोगों को लोगों पे गोलियां चलाई है। बता दूं मैं आपको कि एफआईआर दर्ज भी किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो अभी तक नहीं हुई है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मामले पे गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।